छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में कहा है कि 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया है और यह 24वां राज्योत्सव है। उन्होंने कहा कि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसका शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वहीं नितिन गडकरी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से लेकर 11 तक यह अधिवेशन चलेगा, जिसमें कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि आएंगे। वहीं इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। साथ ही इसमें जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिलेगी। इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा।